तो एक शिप, चाहे वो क्रूज हो या कार, जब वो दुनिया भर में सामान के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है, तो उस शिप पे काम करने वाले या रहने वाले लोगों को खाना भी खाना होता है, उनको खाना भी चाहिए होता है। तो एज ए कैटरिंग और सैलून रेडिंग का काम शिप पे रहने वाले लोगों का खाना बनाना होता है, उन्हें अच्छा खाना टाइम पे मिल सके, ये जिम्मा एक कुक पे होता है। उसके साथ साथ कोई इमरजेंसी आने पर फायर सिक्योरिटी या पैसेंजर कंट्रोलर रेस्क्यू की ड्यूटी भी उनको करनी होती है। तो अगर आपने 10th किया है, किसी भी स्ट्रीम में 40% मार्क्स के साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए, आप ये कोर्स कर सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं, तो एक ट्रेनी कुक को 7,000 से 15,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिल जाती है। मोट हो जाते हैं, कुछ सालों बाद आप सेकंड कुक बन जाते हैं, तो आपको सैलरी 35,000 से 60,000 रुपए पर मंथ मिल जाती है। आगे प्रमोट होते होते जब आप चीफ कुक बन जाते हैं, तो आपको सैलरी 1,00,000 से 2,50,000 रुपए पर मंथ तक मिल जाती है।